हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए मेरी वीडियो में है सूजी से बनी एक नई रेसिपी जिसे हम अप्पे कहते हैं। यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। आप इसे किसी भी वक्त सुबह या शाम के नाश्ते के टाइम पे चाय के साथ खा सकते हैं। तो हम इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने हिसाब से सूजी निकाल के रख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। हमें दही ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है, हल्का ही खट्टा रहे तभी। और इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। आप अपने टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमें पानी एक ही बार हमें इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमें अच्छे से दही को भी फेंट लेना है सूजी में। देखिए, इन सबको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, हमें इतना ही पतला इसे फेंट के रेडी करना है। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसे थोड़ी देर हम अब ढक के रख देंगे, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट बाद देखिए हमारा सूजी फूल के रेडी हो चुका है। ये कितना गाढ़ा हो चुका है देखिए। अब इसमें हम सारी सब्जियों को ऐड करेंगे। अब इसमें हमें पानी अभी ऐड नहीं करना है। सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद ही हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अनुसार ही हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। इसमें हमने एक बड़े प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख ली थी, और इसके बाद मैं एक टमाटर काट के रख ली थी। आप चाहे तो इस टमाटर नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें हरी मिर्च और कुछ धनिया के पत्ते। फिर इसके बाद हरे मटर को भी इसमें हमने ऐड किया है। आप चाहे तो कोई सी भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप जो आपको जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगे। अभी सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना और ना ही ज़्यादा इसे हमें पतला करना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। देखिए, हमें थोड़ा सा ही पानी इसमें डालना है, बस इतना ही। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इतना ही गाढ़ा इसे रखना है। देखिए, अब इसमें ज़्यादा पतला हमें बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसे हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके हम अब तड़का रेडी करेंगे। अब तड़के के लिए हमने बर्तन एक गर्म कर लिया है। अब हमें अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम सरसों का तेल इसमें ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सरसों का तेल इसमें ऐड करना है। अब इसे हम थोड़ा देर गर्म होने देंगे। अब इसमें हम तड़का लगाने के लिए इसमें हमने राई के दाने और जीरा और कुछ कड़ी के पत्ते डाले हैं। अब इसे थोड़ी देर हम पका लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कुकिंग की वीडियो इसमें डालती रहूँ। अब देखिए, थोड़ी देर ये पक जाने के बाद अब इसे हम अपना बैटर में इस तड़के को डालेंगे। अगर आप चाहे तो तड़का नहीं भी लगा सकते हैं। तड़का लगाने के बाद इसका अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें चाहता है उसे मिला लेना अच्छे से। अब हम अप्पे बनाने का बर्तन रेडी करेंगे। देखिए, ये बर्तन है अप्पे, इसी में अप्पे आसानी से बन जाते हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का इसमें तेल हम डालेंगे और इसे अच्छे से हम चारों तरफ मिला लेंगे। अभी हमारा बन अब इसमें हम इनो डालेंगे। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इनो से ये जल्दी से इसमें खमीर आ जाता है। तो इसमें हम आधा इनो ऐड कर देंगे। पूरा हमें इनो इसमें नहीं डालना है, हमें आधा ही डालना है। देखिए, ये कितने अच्छे से अभी पूरे फूल के रेडी हो जाएगा। इसे हम जल्दी से मिक्स कर लेना है, हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं चलाना है। देखिए, अब इसे हम अपने सांचे में सब अच्छे से डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है, इसमें ज़्यादा पूरा बराबर में इसे नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा कम ही इसमें रखना है। इसी तरह हम सारे सांचे में इसे डाल देंगे, डाल के रेडी कर लेंगे। देखिए, अभी हम इसे डाल के रेडी कर चुके हैं। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। हमें इसे कम कम करके ही रखना है गैस को, ज़्यादा हाई पे नहीं करके पकाना है। इसे हमें लो करके ही गैस को रखना है।
अब इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। इसमें बीच बीच में बिल्कुल नहीं खोलना है, नहीं तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा, इसलिए हमें 10 मिनट के लिए आराम से इसे पकने देना है। देखिए 10 मिनट बाद हम इसे पकने के बाद कितने अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर आ गया है इसमें। अब इसे हम पलटा के आपको दिखाते हैं। देखिए ये बीच में अच्छे से पक चुका है, क्योंकि गैस का फ्लो बीच में ज़्यादा था इसलिए ये अच्छे से पक चुका है। और किनारे किनारे पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें आराम से सारे को पलटा देना है, सारे बॉल को, और इसे थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए पकाना है। हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए ये पक के दोनों साइड से रेडी हो चुका है, और इसे अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे ताकि और ये थोड़ा सा कुरकुरा लगे। आप चाहे तो इतना ही पका के आप निकाल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाने पर और अच्छा लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और इसे कुरकुरा करेंगे, थोड़ी देर और पकने देंगे इसी में। देखिए अब इसे हमें चलाते रहना है, गैस को हाई कर लेना है, क्योंकि ये पक चुका है, बस इसे कुरकुरा करना है, इसलिए हमें गैस को हाई करके ही इसे पकाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप चाहे तो इसे ढोकले की तरह ही बना सकते हैं, पर ये अप्पे बनाना है तो हम अप्पे के साँचे में ही बनाएंगे। अब देखिए चारों तरफ से हमारा पक चुका है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आराम से हमें सारे अप्पे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत अभी गर्म है, इसे हम सारे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा अप्पे बन के रेडी हो चुका है, हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और इसे सुबह और शाम के नाश्ते के साथ बना के खाइए और इन्जॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।